ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है, जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। अक्सर लोग कहते हैं आत्माएं कभी नहीं मरती हैं, चाहे उन्हें तंत्र मंत्र से भगा दें या आग से जला दें, उनका अस्तित्व हमारे बीच हमेशा बना रहता है और यहाँ तक कि आत्माएं अपनी कहानियों में भी जिंदा रहती हैं, चाहे वो कहानी पूरी हो या अधूरी, और कुछ आत्माएं तो उन अधूरी कहानियों का हिस्सा बन जाती हैं। क्या कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि आप रात को अलाप के पास बैठकर कोई खौफनाक कहानी सुन रहे हो और अचानक से खौफ आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे तो? सुनने में ये बात बेहद डरावनी लगती है और हकीकत में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो खौफ से आपकी जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। आज की हमारी कहानी है एक हस्बैंड वाइफ जिनके दरवाजे पर आधी रात एक खौफ ने दस्तक दी और फिर उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठी। तो चलिए जानते हैं कहानी विनय और सीमा की। ये बात साल 2003 की है। विनय एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर से मिलने के लिए भेजती रहती थी। तो कभी दिल्ली में रहता था तो विनय कभी पंजाब तो कभी राजस्थान, लेकिन इस बार विनय को जहां जाना था वो जगह दिल्ली से करीब 1080 किलोमीटर दूर थी। वो जगह थी नेपाल के कोई पहाड़ी इलाके की। तो विनय ने सोचा क्यों ना इस बार सीमा को भी साथ ले लिया जाए, उसका भी घूमना हो जाएगा। विनय की फैमिली में सिर्फ वो और उसकी वाइफ ही थे। विनय और सीमा दोनों नेपाल के लिए निकल गए और उस वक्त वैसे भी वहां बहुत ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग करीब 1080 किलोमीटर का सफर तय कर नेपाल में अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सफर काफी लंबा था जिसकी वजह से वो दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बजे रात में वहां एक ऐसा सन्नाटा था कि जैसे किसी ने इस जगह को श्राप दिया हो। उस जगह पर घर एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और बर्फ भी गिर रही थी। विनय को अक्सर रात में कहानियां सुनने का बहुत शौक था, तो सीमा उसे भूत प्रेतों की कहानियां सुनाया करती थी। वो लोग अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे और सीमा विनय को कहानी सुना रही थी। तभी अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। एक पल के लिए तो वो दोनों बहुत डर गए थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और सीमा डरावनी कहानी सुना रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जिस काम के लिए विनय आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। विनय और सीमा घर में अकेले ही थे। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में पूरे दिन वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर मौसम बड़ा सर्द था, तो सीमा ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही उसने देखा कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जो उसको चुपके चुपके अपनी तिरछी नजरों से देख रहा। सीमा ने उसको अपनी ओर बुलाया पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। सीमा को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उस बच्चे को नजरअंदाज कर बाहर घूमने के लिए निकल गई। विनय और सीमा को वहां रहते रहते अब 2 हफ्ते बीत गए थे और अब उन लोगों का वहां मन भी लग गया था। लेकिन फिर अगली सुबह का सूरज न जाने विनय और सीमा के लिए अमावस का चांद बनकर निकला था, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उस सुबह
जब विनय को बाय बोलने के लिए सीमा बाहर आई तो उसने फिर कुछ वैसा ही देखा जैसा कि उसने 2 हफ्ते पहले देखा। वो लड़का उसको फिर से वहीं उस खंबे के पीछे दूर खड़े हुए घूरे जा रहा था और इस बार सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला ना ही कुछ बताया। सीमा ने उसे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला और आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वो वहां से भाग गया। वो बच्चा तो वहां से भाग गया था लेकिन अब सीमा के मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया था क्योंकि सीमा को उस बच्चे का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से घूरता रहता था। फिर एक दिन रविवार की रात थी, दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे और सीमा विनय को एक प्रेत की कहानी सुना रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी और फिर तभी जब एक बार फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वो चौंक गए थे क्योंकि इस बार खटखटाने की आवाज साफ साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों की रूह कांप गई थी क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर उस दरवाजे के पीछे कौन था। कुछ पलों के लिए दोनों केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। विनय और सीमा बहुत डर गए थे लेकिन तभी विनय ने हिम्मत कर जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? वहां विनय की आवाज के बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, प्लीज दरवाजा खोलो। विनय और सीमा दोनों के हाथ पैर कांप उठे थे कि आखिर इतनी रात गए कौन सी बला हमारे दरवाजे पर खौफ की दस्तक दे रही है। सीमा को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने कहा, ये तो वही बच्चा है विनय, कि उसी की आवाज लगती है जो रोज हमारे घर के बाहर खड़ा रहता था। सीमा ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजती है। फोन सीमा की पड़ोसन का था। सीमा ने फोन उठाया, वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसे खोलना मत। ये सुनकर सीमा हैरान हो गई थी कि आखिर अब उसकी पड़ोसन ने कॉल क्यों किया और ये दरवाजे की बात वो क्यों कर रही है। सीमा ने उससे पूछा, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? और मेरे घर के बाहर एक बच्चा है, उसकी आवाज मुझे आ रही है और वो बार बार मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में कोई बच्चा नहीं, एक आत्मा है। और सीमा उससे कुछ और पूछती, उस औरत ने कॉल काट दिया। उन्होंने उस रात दरवाजा नहीं खोला और अगले दिन सुबह होते ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि मैंने तो आपको कल कोई कॉल ही नहीं किया, मगर आप जो ये बात बोल रहे हैं ये सब सच है। इतना सुन
सीमा बेहोश हो गई। ये देख विनय बहुत घबरा गया था और फिर उन्होंने उसे पानी के छींटे डाल होश में लेकर आए। फिर पड़ोसन ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई और बस एक बच्चा बच गया। वो बच्चा दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों की बर्फ और आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे और फिर सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर वो दोनों हैरान रह गए थे और उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर वहां उन दोनों के साथ 3-4 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो लोग विनय का काम खत्म हो जाने पर वहां से चले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां से जाने के बाद भी सीमा को कभी कभी वो बच्चा दिखाई देता था। तो क्या सीमा के पास कोई शक्ति थी या सीमा खुद एक भेद थी? ये रहस्य सीमा के साथ ही चला गया। तो आप भी जब कभी कोई भूत प्रेतों की कहानी सुने तो ध्यान रखिए, आत्माएं हमसे जुड़ना चाहती है और हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। क्या आपको भी लगता है कि विनय और सीमा को वो आत्मा इसी वजह से दिखाई दी? आप इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं नई कहानी नए कहानी से। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।